आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप इन एसोसिएशन विद कुटुंब ऐप। अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। भारत चीन को रह रहकर उसकी असली जगह दिखाता है और इसी से चीन तिलमिला जाता है और फिर चीन दे देता है बयान। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हाल ही में भारत ने 54 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था, जिस पर चीन ने पूरी नजर बनाई रखी थी, और अब जैसे ही भारत ने 54 चीनी ऐप्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया, वैसे ही चीन उतर आया अपनी असलियत यानी धमकी देने पर। इस बार की धमकी सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी और आप भी शायद यही कहेंगे कि कहीं पाकिस्तान के साथ दोस्ती की वजह से चीन की मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं अगर दोस्त खराब हो तो आदमी की संगत भी उसी तरह की हो जाती है। दरअसल भारत ने 54 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इनमें से कुछ ऐप्स बैन किए गए पुराने चीनी ऐप भी थे जो नाम बदलकर भारत में रिलॉन्च किए गए थे और यूजर्स की जानकारी के बिना उनके डेटा को चीन भेज रहे थे। भारत सरकार के इन ऐप बैन पर चीनी सरकार का मुखपत्र समझे जाने वाला अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये राजनीति से प्रेरित है और ऐप बैन कर भारत सरकार ने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। अखबार ने इस खबर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि भारत चीन से चल रहे तनाव के बीच फिर से ये एक लापरवाही कर रहा है। चीनी अखबार की बौखलाहट। ग्लोबल टाइम्स ने ऐप बैन की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह ध्यान देने वाली बात है कि इस कदम की घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब भारत के विदेश मंत्री हाल ही में क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा से लौटे हैं। इसमें कोई रहस्य जैसी बात नहीं है। अमेरिका के नेतृत्व वाला क्वाड नेटवर्क सिस्टम सहित कई क्षेत्रों में चीन को निशाना बना रहा है। चीनी टेक और टेक फर्मों की सुरक्षा को खतरे में डालकर अमेरिका दुनिया में अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए चीन के विकास को रोकना चाहता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी भारत द्वारा ऐप्स को बैन किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता गाओ फेंग ने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार सहयोग की मजबूत विकास गति को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाएगा। भारत को चीनी कंपनियों सहित सभी विदेशी निवेशकों के साथ पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए। खैर, भारत सरकार सुरक्षा के मद्देनजर अब साल 2020 से अब तक 270 से अधिक चीनी ऐप को बैन कर चुकी है और इसी वजह से चीन की चीख बार बार निकल रही है, वो भी फटे ढोलक की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।